हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर्स, पॉलीमर केमिस्ट्री या मैक्रोमोलिक्यूल्स से भी सीएसआईआर नेट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है ये। सिर्फ दो वीडियो लेक्चर में मैं पॉलीमर को फिनिश कर दूंगा। देखो, क्योंकि दो ही टॉपिक्स सिलेबस में भी हमको दिए हुए हैं। जो पहला टॉपिक है पॉलीमर का इंट्रोडक्शन, उसके अंदर ये कुछ सब टॉपिक्स है, और दूसरा है काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, पॉली डिस्पर्सिटी क्या होती है, मास, मोलर मास ऑफ पॉलीमर कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके क्या अलग अलग टाइप्स हैं मोलर मास के, और पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है। एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व भी करने वाले हैं, एग्जाम्पल सहित देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से इस वीडियो लेक्चर में जो मैं बातें करने वाला हूँ, यहाँ से लगभग हर बार क्वेश्चन आ रहा है सीएसआईआर नेट के अंदर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम पॉलीमर्स, या इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री। चलिए पॉलीमर क्या होता है, पॉली दो वर्ड से मिलकर के बना है, बेसिक सी बात है, ये सबको मालूम है, फिर भी मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ। मर्स, पॉली मर्स, पॉली का मतलब मैनी, मैनी कई सारे, मर्स मीन्स यूनिट, कई सारी यूनिट्स, इसको हम मोनोमर यूनिट कहेंगे, मोनोमर यूनिट। तो जिसके अंदर मोनोमर के कई सारी यूनिट्स होती है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। अब मोनोमर क्या होता है, मोनोमर रिपीटिंग यूनिट होती है, रिपीटिंग यूनिट, क्लियर है, वो यूनिट्स जो मिल करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें नंबर, मेनी नंबर ऑफ मोनोमर्स मिल करके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, ये सभी क्या है, मोनोमर्स, और ये क्या बन गया, पॉलीमर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, क्लियर, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस हम किसको कहते हैं, द प्रोसेस इन विच मोनोमर यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल हम 11 12th क्लास से ये पढ़ते आए हैं, एथीन मॉलिक्यूल के एन मॉलिक्यूल्स जब पॉलीमराइज होते हैं तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है, पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये बन गया पॉलीथीन, ये था एथीन, ये एग्जांपल आपका हो गया, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन क्या है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली। अब मैं आता हूं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पर, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती क्या है, देखिए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से हमको पता चलता है कि किसी पॉलीमर के अंदर कितने मोनोमर यूनिट्स, कितनी स्ट्रक्चरल यूनिट्स प्रेजेंट है, मीन्स इट इज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट इन अ पॉलीमर, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मोनोमर, मोनोमर, मोनोमर के मोलर मास से यदि हम मोलर मास ऑफ पॉलीमर को यदि डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स और मोनोमर्स आ जाता है। इसको हम सिंपली ऐसा भी बता सकते हैं, कैपिटल एम मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड स्मॉल एम मोलर मास ऑफ मोनोमर, ये हो गया हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्लियर है। अब पॉली डिस्पर्सिटी की बात आती है, अगला हमारे पास वर्ड है पॉली डिस्पर्सिटी, किसको कहते हैं हम पॉली डिस्पर्सिटी। देखिए पॉली डिस्पर्सिटी में ये कहा जाता है
कि कोई भी पॉलीमर अलग अलग टाइप की चेन से मिल करके बना हुआ हो सकता है। एक हमारे पास टाइप होता है पॉली डिस्पर्स्ड। पॉली डिस्पर्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप की पॉलीमर चेन्स प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप के मतलब जिनके वेट अलग अलग है, मोलर मास जिनके डिफरेंट है, ऐसी चेन्स अवेलेबल है उसके अंदर। और एक हो सकता है मोनो डिस्पर्स्ड। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सेम मोलर मास के, एक ही मोलर मास के सारे चेन्स अवेलेबल हैं। दो डिफरेंट टाइप के आप पॉलीमर्स हमारे पास हो गए हैं, एक हो गया पॉली डिस्पर्स्ड, एक हो गया मोनो डिस्पर्स। पॉली डिस्पर्स्ड में ये कहा जाता है कि वेट एवरेज मोलर मास इज ग्रेटर देन नंबर एवरेज मोलर मास। क्लियर है, ये बात ध्यान रखने की। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर, वेट एवरेज मोलर मास इज ग्रेटर देन नंबर एवरेज मोलर मास फॉर पॉली डिस्पर्स्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स। क्लियर है, जबकि मोनो डिस्पर्स्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स के अंदर हम ये कहते हैं वेट एवरेज मोलर मास विल बी इक्वल टू नंबर एवरेज मोलर मास। आया हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, आया हुआ है पॉली डिस्पर्सिटी को लेकर के। क्लियर है, मोनो डिस्पर्स के अंदर वेट एवरेज मोलर मास और नंबर एवरेज मोलर मास सेम आएंगे। अब ये वेट एवरेज मोलर मास और नंबर एवरेज मोलर मास क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक वही है, ये था पॉली डिस्पर्सिटी। अब हमारे पास मोलर मास ऑफ पॉलीमर, अलग अलग टाइप के मोलर मास होते हैं, देखते हैं क्या टाइप है। अब हम बात कर रहे हैं मोलर मास ऑफ पॉलीमर की, मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स। देखिए ये अलग अलग टाइप से एक्सप्रेस करते हैं हम। एक होता है हमारे पास नंबर एवरेज मोलर मास, दूसरा है हमारे पास वेट एवरेज मोलर मास, एक होता है हमारे पास सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मोलर मास। सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मोलर मास अलग अलग टाइप का होता है और Z+1, Z+2, Z+3 ऐसा हो सकता है। और एक होता है हमारे पास विस्कोसिटी मोलर मास। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं मोलर मास को एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए एक एक को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, अलग अलग फॉर्मूले हैं इनके, इन फॉर्मूले पर बेस्ड फिर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलिए पहला वाला है हमारे पास नंबर एवरेज मोलर मास। नंबर एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास समेशन ऑफ एन आई एम आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई। एन आई क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पॉलीमर चेन्स हैविंग एम आई मोलर मास। ऐसे नंबर ऑफ चेन्स है जिनका एक जैसा मोलर मास है और वो आई है हमारे पास। ऐसे हमारे पास एनजे भी हो सकता है, ठीक। इस टाइप से हम उनका समेशन कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज मोलर मास अकॉर्डिंग टू नंबर। अब देखिए एक बात यहां पर है, मैं क्या कहता हूं कि एन आई एम आई को कलेक्टिवली मैं क्या कह रहा हूँ, सी आई कह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हो जाएगी हमारे लिए। क्या नंबर, जो भी एक जैसी चेन्स है उनका नंबर और उनका मोलर मास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अलग अलग नंबर के लिए फिर हम बार बार उसको नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सी आई कहेंगे उसको। सी आई डिवाइडेड बाय एन आई भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है, ये हो गया मेरे पास टोटल नंबर एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला। दूसरे पर जा रहा हूं मैं, क्या है दूसरा, वेट एवरेज मोलर मास। अब वेट एवरेज मोलर मास में ये कहा जाता है एन आई एम आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई एम आई। क्लियर, ये कहा जाता है। अब इसको यदि मैं इस फॉर्मूले में सी आई के फॉर्मूले में कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ एन आई एम आई इज इक्वल टू क्या होता है, सी आई होता है। तो यहाँ एक एन आई एम आई को मैं सी आई कह दूँ, एक एम आई मेरे पास बच जाएगा। तो समेशन ऑफ सी आई एम आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ सी आई एन आई एम आई को हम अभी सी आई कहकर क्या है, ये भी फॉर्मूला आपके सामने आ सकता है। क्लियर है, फॉर्मूले भी पहचानते आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला किसका है ये भी पहचानते आना चाहिए। अगला सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मोलर मास, हमारे पास ये आ गया एन आई, बहुत आसान सी बात है, ये बढ़ाते जाओ एम की पावर, एम आई की पावर बढ़ाते जाओ, बस कुछ भी नहीं, समेशन ऑफ एन आई एम आई की पावर 2 कर दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक एन आई एम आई तो सी आई हो गया, तो ये हो गया समेशन ऑफ सी आई एम आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक एन आई एम आई सी आई कर दिया,
mi यहां पर बच जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारे लिए फॉर्मूला किसका, जेड का। अब जेड प्लस वन यहां फोर हो जाएगा, जेड प्लस टू फाइव हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब एक जो बचा हुआ है वो मैं बता रहा हूं कौन सा, विस्कोसिटी वाला। उसका थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट है इसलिए उसको अलग से बताना पड़ रहा है, ये आप अपने पास कॉपी कर लेना जो भी आप कर रहे हो। mv का फॉर्मूला क्या है देखो, mv इज इक्वल टू समेशन ऑफ ni mi mi की पावर 1 प्लस a है, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ni mi और होल की पावर 1 अपॉन a। क्लियर, अब ये ए कोई नई पिक्चर आ गई है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 0.5 से 1 तक हो सकती है, 1.0 तक हो सकती है। क्लियर, यदि ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए, ए की वैल्यू कितनी हो जाए 1 हो जाए, तो ये हमारे पास मींस mv इज इक्वल टू mw हो जाएगा हमारे पास। यदि 1 हो जाए तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये mv किसके इक्वल आ जाएगा, वेट एवरेज मोलर मास के इक्वल ही आना है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास a का, कि a की वैल्यू हमारे पास 0.5 से लगा करके 1.0 तक हो सकती है, a की वैल्यू यदि 1 हो जाती है तो वो वेट एवरेज के इक्वल चला जाएगा। चलिए ये सारे फॉर्मूले हो गए अब हमारे पास मोलर मास ऑफ पॉलीमर को कैलकुलेट करने के लिए। अब क्या है, कंपैरिजन आता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी है कंपैरिजन। देखो पॉली डिस्पर्स्ड के लिए, पॉली डिस्पर्स्ड पॉलीमर्स के लिए और मोनो डिस्पर्स्ड पॉलीमर्स के लिए, मोनो डिस्पर्स्ड एक कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन को क्या कह रहे हैं। देखो ये कहा जा रहा है कि जो नंबर एवरेज मोलर मास है वो सबसे कम आता है, जितने भी टाइप के ये हमारे पास मोलर मास है डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेस जो हमने किए हैं उसमें सबसे कम मोलर मास किसका आता है, नंबर एवरेज का। फिर हमारे पास आता है विस्कोसिटी एवरेज का, फिर हमारे पास आता है वेट एवरेज का, फिर हमारे पास आता है जेड एवरेज का, जेड मीन सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम का, उसके बाद एम जेड प्लस वन, इस टाइप से ये बनता है हमारे पास कंपैरिजन। क्लियर है, कौन से मोलर मास का वेट कम ज्यादा क्या है, मोलर मास कम ज्यादा क्या है। लेकिन मोनो डिस्पर्स के लिए ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल। मोनो डिस्पर्स की यदि मैं बात करूं तो नंबर एवरेज मोलर मास विल बी इक्वल टू विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास विल बी इक्वल टू वेट एवरेज मोलर मास विल बी, सभी क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। किसके लिए, मोनो डिस्पर्स, मोनो डिस्पर्स सेम टाइप की चेन से है तो कोई अलग हो ही नहीं रहा है, पहले वाला ही फॉर्मूला हमारा चल जाएगा नंबर एवरेज मोलर मास वाला, तो सभी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। लेकिन जब पॉली डिस्पर्स की बात होते हैं तो सभी अलग अलग आते हैं, तो कौन सा मोलर मास सबसे कम आएगा, नंबर एवरेज, और सबसे ज़्यादा जेड वाले आएंगे, मीन सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम वाले आएंगे। अब अगला पॉइंट है हमारे पास पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स हम किसको कहते हैं, सिटी इंडेक्स, इसको हम पीडीआई से भी एक्सप्रेस करते हैं, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स है। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं हम, या इसको हम कहते हैं, ये है रेशियो ऑफ वेट एवरेज मोलर मास एंड नंबर एवरेज मोलर मास। सिंपल सी बात है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेट एवरेज मोलर मास एंड नंबर एवरेज मोलर मास। अब यहाँ ये कहा जाता है कि पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स में दो बातें हैं हमारे पास, पॉली डिस्पर्स्ड के लिए अलग आएगा पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, और मोनो डिस्पर्स्ड के लिए पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स अलग आएगा। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पीडीआई, पीडीआई ये कहा जाता है कि वेट एवरेज मोलर मास और नंबर एवरेज मोलर मास का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन वन आएगा पॉली डिस्पर्स के लिए। पॉली डिस्पर्स के लिए पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ग्रेटर देन क्या आएगा, वन आएगा, जबकि मोनो डिस्पर्स के लिए पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स या वेट एवरेज मोलर मास और नंबर एवरेज मोलर मास का जो रेशियो है वो इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा। ये यहां पर बात समझने की है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स या पीडीआई ग्रेटर देन वन फॉर पॉली डिस्पर्स्ड पॉलीमर्स एंड
पीडीआई इक्वल टू वन फॉर मोनो डिस्पर्स्ड पॉलीमर्स। क्लियर है, ये सारी बातें हो गई मेरे पास जो इस वीडियो में हमको करना था। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स को लेकर के। एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है सीएसआईआर नेट के अंदर। देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट एमडब्ल्यू एंड एमएन मीन्स वेट एवरेज मोलर मास एंड नंबर एवरेज मोलर मास फॉर अ पॉलीमर विच कंटेन 30% मॉलिक्यूलर ऑफ मॉलिक्यूलर मास 20,000। 30% मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या है 20,000 है, 40% मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास 30,000 एंड रेस्ट 30% मॉलिक्यूल्स ऑफ 60,000 मॉलिक्यूलर मास, ये हमको दिया हुआ है। और पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स भी हमको कैलकुलेट करना है। हमको क्या दिया हुआ है, हमको अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। मॉलिक्यूल्स एक तो हमको ऐसे 30% मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जिनका मोलर मास कितना है, मोलर मास पहले वाले का 20,000, ये हमको दिया हुआ है। अगला हमको कुछ 40% मॉलिक्यूल्स ऐसे दिए हुए हैं 40% जिनका मॉलिक्यूलर मास है 30,000 और कुछ 30% ऐसे दिए हुए हैं रेस्ट जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या है 60,000 दिया हुआ है। क्लियर है, अब ये 30% 40% और 30% मिला करके टोटल 100% ही तो हो रहे हैं 100%। तो मैं परसेंट को यहां से हटा सकता हूं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही सिर्फ कह दूं तो कोई दिक्कत हमको, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही हो गए हमारे पास कि 30 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास 20,000 है, 40 ऐसे हैं जिनका 30,000 है, 30 ऐसे हैं जिनका 60,000 है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में यहां से हटा देता हूं। सबसे पहले नंबर एवरेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ एनआई एमआई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई। नंबर हमारे पास कितने कितने दिए हुए हैं 30 इंटू 30 वाले का मोलर मास कितना है 20,000 प्लस अगला नंबर क्या है 40 उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 30,000 प्लस अगला नंबर क्या है हमारे पास 30 इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 60,000। क्लियर, डिवाइडेड बाय नंबर सारे जितने भी नंबर है वो तो 100 ही आएंगे, समेशन ऑफ नंबर्स कितना आएगा 100 आ गया हमारे पास, बस इसको हमको सॉल्व करना है तो हमारे पास नंबर एवरेज आ जाएगा कितना आया, इसको सॉल्व करने पर 36,000 आ जाएगा आपका नंबर एवरेज मोलर मास। क्लियर है, ऐसे ही मैं वेट एवरेज मोलर मास भी निकाल लूंगा, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, अब वेट एवरेज मोलर मास भी निकाल लूंगा और वेट एवरेज निकाल करके मैं पीडीआई निकाल लूंगा। ये निकाला मैंने वेट एवरेज मोलर मास जिसका फार्मूला क्या होता है समेशन ऑफ एन आई एम आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई एम आई। अब ये सभी मैं लिखूंगा यहां पर एन आई एम आई, तो मेरे पास ये पूरा लिखा हुआ है ऐसा कैसा ही यहां पर नीचे मैं कॉपी कर दूंगा, पहले इसको ही कॉपी कर देता हूं। ये मेरे पास आ जाएगा 30 इंटू 20,000 प्लस 40 इंटू 30,000 प्लस 30 इंटू 60,000। सॉल्व आप आराम से करा करना, मैं टाइम बचाने के लिए इसको फटाफट निपटा रहा हूं। ऊपर क्या है हमारे पास एनआई एमआई का स्क्वायर, एनआई हमारे पास नंबर है, नंबर पहला क्या है 30 इंटू एमआई का स्क्वायर 20,000 का स्क्वायर प्लस अगला नंबर हमारे पास क्या है 40 इंटू 30,000 का स्क्वायर प्लस अगला नंबर हमारे पास क्या है 30 इंटू 60,000 का स्क्वायर। क्लियर है, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा MW और वो इक्वल टू आ रहा है 43,300 के इक्वल आ रहा है। आप आराम से बैठ करके करना, मुझे बताना सही है कि नहीं। चलिए अप्रोक्स मैंने यहां पर लिख दिया, ये सब आ गए मेरे पास। अब मुझे PDI निकालना है, PDI मीन्स पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, वो होता है MW डिवाइडेड बाय MN। MW मेरे पास क्या आया 43,300 डिवाइडेड बाय MN मेरे पास क्या आया 36,000 आया। ठीक है, इससे ये तो क्रॉस हो जाएगा, मीन्स 433 डिवाइडेड बाय
360 आएगा हमारे पास, मीन्स ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं। ये पॉली डिस्पर्स था, ग्रेटर देन 1 आएगा पीडीआई। अभी हम जो कॉन्सेप्ट में पढ़ करके आए थे कि एमडब्ल्यू डिवाइडेड बाय एमएन का रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा पॉली डिस्पर्स के लिए, जबकि मोनो डिस्पर्स के लिए पीडीआई क्या आएगा 1 आएगा। ये एक कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हमको एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। चलिए, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियोज रेगुलरली, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू वेरी